नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपको शेख चिल्ली के बारे में बताने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि शेख चिल्ली का नाम शेख चिल्ली कैसे पड़ा। दोस्तों, शेख चिल्ली एक महान सूफी संत और दार्शनिक थे। मुगल बादशाह शाहजहाँ का पुत्र दारासी को उन्हें अपना गुरु मानता था, और शाहजहाँ भी उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे। शेख चिल्ली का वास्तविक नाम सूफी अब्दुल रज्जाक था। इसके अलावा उन्हें अब्दुल रहीम, अलेस अब्दुल, अले शब्द रज्जाक के नाम से भी जाना जाता है। बलूचिस्तान के खानाबदोश कबीले में जन्मे शेख चिल्ली को उनकी घुमक्कड़ी का शौक भारत लेके आ गया। शेख चिल्ली को ना व्यवहारिकता की परवाह थी, ना ही दिखावे में कोई विश्वास था। वे अपनी बात बड़ी ही ईमानदारी और साफगोई से कह दिया करते थे। वे इतनी खरी खरी होती थी कि उसमें से हास्य उत्पन्न भी हो जाता था। उनकी सरलता और उनका भोलापन भी लोगों को हंसने पर विवश कर देता था। शेख चिल्ली भारतीय किस्से कहानियों में एक मजेदार और रोचक पात्र के रूप में मशहूर हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि वे दिन में सपने देखा करते थे। उनके हास्य पात्र बनने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण उनकी आदत भी रही है। आज भी दिन में सपने देखने वालों को लोग शेख चिल्ली कहते हैं। आज की कहानी में आपको शेख चिल्ली के बचपन का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। यही वो किस्सा है जिसकी वजह से शेख चिल्ली का नाम शेख चिल्ली हो गया। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको वह किस्सा। शेख चिल्ली की पैदाइश शेख परिवार में हुई थी। पिता जब अल्लाह को प्यारे हो गए, तब माँ ने बेहद गरीबी में उनकी परवरिश की। गरीबी के बावजूद माँ उसे अच्छी तालीम दिलवाना चाहती थी, इसलिए उसका दाखिला गांव के एक मदरसे में करवा दिया। वह रोज मदरसे जाने लगा और मौलवी से तालीम लेने लगा। मदरसे में गाँव के कई बच्चे आया करते। शेख परिवार से ताल्लुक होने के कारण सभी बच्चे उसे शेख पुकारा करते। मौलवी साहब ने एक दिन पढ़ाया कि लड़की जाती है तो लड़का जाता है, लड़की खाती है तो लड़का खाता है। मौलवी साहब उस दिन बच्चों को भाषा में स्त्रीलिंग और पुरलिंग पढ़ा रहे थे कि कैसे हमारी बोलचाल की भाषा में हमें किसके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, कि लड़की जाती है, लड़का जाता है, इस प्रकार। अब सारे बच्चे दोहरा रहे थे मौलवी साहब जो कह रहे थे, लड़की जाती है तो लड़का जाता है, लड़की खाती है लड़का खाता है, लड़की आती है लड़का आता है। फिर मौलवी साहब ने सबसे पूछा कि सबको समझ में आ गया? तो सब बच्चों ने कहा कि हाँ, हमको सबको समझ में आ गया। अब शाम को मदरसे से जब शेख चिल्ली वापस आ रहे थे, तो उनको किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह दौड़कर देखता है जिधर से आवाज़ आ रही है, वह देखता है कि एक लड़की तालाब में डूब रही है और मदद के लिए पुकार रही है। अब शेख चिल्ली ने सोचा कि मेरे से अकेले की बस की बात तो ये है नहीं है कि मैं इस लड़की को बाहर निकाल दूं। तो मैं दौड़ते हुए मदरसे के पास में गया, गांव के और नज़दीक गया और लोगों को बोला कि एक लड़की चिल्ली कर रही है, एक लड़की चिल्ली रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो, एक लड़की चिल्ली रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि शेख कहना क्या चाहता है, लेकिन वे उसके साथ हो लिए। अब तालाब पर पहुंचकर जब उन्होंने एक लड़की को डूबते हुए देखा, तो उसकी मदद कर उसको बाहर निकाल दिया। अब तालाब से बाहर निकलने के बाद भी वह रोना पीटना मचाती रही। उसे देखकर शेख बोला कि देखो अब भी कितने चिल्ली रही है, अरे चुप भी हो जाओ। अब बार बार चिल्ली सुनकर शेख चिल्ली के साथ ही तंग आ चुके थे। वे बोले, शेख तू बार बार चिल्ली रही है क्यों कह रहा है? शेख चिल्ली ने कहा कि अरे मौलवी साहब ने आज ही हमको पढ़ाया है, हमको आज ही सिखाया है कि लड़के के लिए जाता है और लड़के के लिए जाती है शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही लड़के के लिए चिल्ला रहा है तो लड़के के लिए चिल्ली रही है शब्द का इस्तेमाल होगा। उसकी मूर्खतापूर्ण बात सुनकर सब ठहाका मारकर हंस दिए। उसी दिन के बाद से उसे चिल्ली चिल्ली पढ़ाने चिढ़ाने लगे, और बाद में वह चिल्ली उसके नाम के साथ जुड़ गया और वह हो गया शेख चिल्ली। तो दोस्तों, ये थी शेख चिल्ली की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहने के लिए, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।